Hello, what's up guys, this is Akrit and you are watching my channel. And I know it's been really long ki main kafi time ke baad wapis aa raha hu. I know. I'm trying my best to get back to my zone which I was, and is baar kya hoga, is baar hum try karenge kuch better karne ki. Ab ki baar se hum daily vlogs to nahi, matlab keh sakte ho ki daily basis pe vlogs karenge, like whatever मेरा जो रहेगा, मतलब एक दिन का स्केड्यूल रहेगा, उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे तुम लोगों को दिखाने की. मैं जिम भी ज्वाइन कर रखा है, तो जिम में मेरे को अभी तक लाइक एक महीने से ऊपर टाइम हो ही गया. एंड तुम कह सकते हो लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम रियली गुड इन इट, बट जितना भी मेरे को नॉलेज है अभी तक का एक महीने के अंदर का, आई विल डिस्कस अबाउट इट विद यू एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आई विल गिव यू सम टिप्स. I will give you some, you know, suggestions about your diet, your fitness and everything. Kuch hum baat karenge, abhi mere exams bhi aa rahe hain and we will discuss about that things as well. Like if you are coming to the UK or some other countries. Basically, meko UK ka maloom hai, meko dusri country ka maloom nahi ki unka kaisa ek wo hota hai, education system hai. UK ka yahan pe main pad raha hu. So I know how is it. So I will show you, I will tell you, I will describe everything. How is it and how you can use things and how they actually use it and what's the difference between our language and their language. So we will see and I will discuss about it. Log dekh sakte ho hum ja rahe hain raste mein, ye rasta hai wahi rasta jahan se hum har roz ka guzarte hain. Aur ek time kuch tha, agar tum meri purani videos dekhoge to ye jitna area tha na, ye kafi zyada matlab sukha tha. और ये देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है ना, कितना हरियाली, कितना हरा भरा हो गया है. और यही कुछ दिनों में अगर तुम देखोगे तो ये जो एकदम पेड़ एकदम खाली खाली है ना, इसमें फ्रूट्स लगने शुरू हो जाएंगे. ये एप्पल का मे बी, नॉट श्योर एप्पल है किसी का है, क्योंकि जब हम पहले की बात करें तो यहाँ से हमने एप्पल तोड़ के खाए थे जो कि बहुत मीठे थे. और अब धीरे धीरे जब चीज़ें उगनी फिर से शुरू हो जाएंगी, मैं तुम लोगों को दिखाऊँगा कैसा है कैसा नहीं. बाकी सही में यार, पापा से हम बात करते थे कि एक टाइम ऐसा था कि जब हम आते थे तो कितना ही हरा भरा दिखता था, फिर अचानक से यहाँ पे सूखा सा पड़ गया, मतलब ब्राउनिश हो गया, पत्ते झड़ने शुरू हो गए. स्प्रिंग जिसे एक तरीके से कहते हैं, वो वाला सीन था कि स्प्रिंग होता पता नहीं, ऑटोमन होता, मेरे को सीज़न का नाम ने थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है. तो जब पत्ते झड़ गए तो हमने देखा कितना ही सूखा पड़ गया था यहाँ पे. तो हम बात करते थे कि जब हरियाली होगी तो इतनी हरियाली हो जाएगी. और एक वैसे भी इतने टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख के काफी अलग से ही लग रहा है. लाइक तुम यहाँ से देखो इस चीज को, ऐसा लग रहा है किसी जंगल के बीच में हो तुम. लाइक सीरियसली, ये सिर्फ एक पाथ वे बना रखा है कि लोगों के आने जाने का, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी जंगल के बीच में से निकल के जा रहे हो. क्या ही है भाई. बाय द वे, ये तुम लोगों को चीज दिखाऊं, ये जो रोड इस साइन का मतलब क्या है, जो लोग बता देंगे तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों को बताऊंगा इसका मतलब क्या है. ठीक है, अब जिसको पता है ये साइन वगैरह का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका मतलब क्या है. और ये 200 yards लिखा है, इसको भी गौर कर लेना. ठीक है, और बताओ कमेंट सेक्शन में क्या अर्थ है इसका. बाकी हम चलते हैं आगे. अरे चलना वे, चलो हम तो चलते हैं, इनका मालूम नहीं. देखो वहां पे ग्रीन लाइट होगी, हम यहाँ पे चल दिए. और जो लोग पठानकोट से है ना, जो लोग मेरे शहर से हैं, ठीक है, उन लोगों को अगर वो लोग इस एरिया को देखेंगे ना, इस एरिया को, ये वाला, ये यहाँ से फ्लाईओवर जा रहा है, इसे फ्लाईओवर नहीं, इसे मोटरवे कहते हैं. ठीक है, हमारे तो नेशनल हाईवे वगैरह होते हैं, यहाँ पे मोटरवे कहते हैं. तो ये जो है ना, ये मोटरवे, ठीक है, ये ऐसा लगता है जैसे हमारे पठानकोट में वो जो है ना, वो वाला भगत सिंह चौक है, उसके नीचे वाला वो जो वैसा है, बिल्कुल डिट्टो तो नहीं, मतलब वैसा ही कुछ लगता है ये ना, थोड़ा बहुत मेरे को वैसी वाली वाइब देता है. पापा भी कहते हैं वैसी वाली वाइब देता है, और अपना अपना सा घर सा याद आ जाता है. बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर की याद दिला देती हैं, वैसा ही कुछ ये है.
कि ना यहाँ पे बंदा, ना यहाँ पे बंदे की जात, ना ही यहाँ पे अकेले आने की औकात, ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। किसी के बस की बात नहीं है अकेला पैदल ही निकल के आ जाना घर से। भाई बहुत स्केरी है ये, देखने में ही लगता है कि भाई यूके सेफ है, कहीं भी चले जाओ कहीं भी जगह सेफ नहीं है। अगर अंधेरा हो जाए भाई तो कहीं से भी यू नो वारदात हो सकती है भैया, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे भी बहुत सारे ड्रगी लोग हैं जो लूट के ले जाते हैं, हु नोस कब कैसे क्या हो जाए। सो अपनी भाई प्रिकॉशंस हमेशा अपने साथ रखो, सही रहो, सेफ रहो और कुछ नहीं। बाकी एकदम ये भी खाली हो रखा है, और डाउट मेरे को ये भी आ रहा है कि टेस्को इस टाइम बंद हो रखा होगा, नॉट श्योर। मेरा बस पोपट ना हो, अगर मेरा पोपट हो गया तो भैया पोपट ही पोपट होगा, पत्रकार पोपट लाल। और ये देखो इस लाइट की बात कर रहा था, ये जेब्रा क्रॉसिंग की तरह काम करती है, ठीक है। जहाँ पर भी ये लाइट दिख जाए, ये वाली, ये येलो वाली, ये जो जगमगा रही हैं, अगर यहाँ पे कोई भी पेडेस्ट्रियन खड़ा होगा उस साइड या इस साइड, तो यहाँ से आ रही कार को, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ज़्यादा स्पीड में है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है तो वो जा सकती है, अगर वो नॉर्मल स्पीड में है इफ़ दे कैन कि वो यहाँ पे गाड़ी रोक सकते हैं, अगर उनके लिए सेफ है ये करना तो वो रोकेंगे और सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करने के लिए, और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी काफ़ी जगह पे लग रखे हैं ये चीज़, पर बात वही है रूल्स नहीं फॉलो होते वहाँ पे। जिस दिन रूल्स फॉलो होने शुरू हो गए, बाय गॉड हमारा इंडिया किसी किसी यूके से कम नहीं लगेगा, बाय गॉड। बस रूल्स की मात खाते हैं, रूल सही हो जाए, रेगुलेशन सब बढ़िया हो गया ना भाई। यूके अमेरिका सब फेल है हमारे इंडिया के आगे, ये गारंटी है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये गारंटी हमें महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि here we go again। इतनी दूर आया क्या करने के लिए, बेइज्जती करवाने के लिए। और भाई कल मंडे है, कल बैंक हॉलीडे है, उस कारण हमें कॉलेज से भी छुट्टी है कल। सो कॉलेज भी नहीं जाना कल, कल जॉब पे भी नहीं जाना कल, सिर्फ मैंने जिम जाना है। सो बेसिकली आज ये मतलब कल के दिन मंडे को आई विल अपलोड इट इन द मॉर्निंग टाइम, मे बी यू विल सी, ठीक है, मीन टाइम निकाल के भाई देख लिया करो मेरी वीडियो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये मंडे वाले दिन मतलब कल के दिन जो मैं व्लॉग बनाऊंगा, सो वो बेसिकली मेरे ऑल डे के ऊपर होगा, मतलब पूरे दिन मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या पढ़ा, पर डे का भी जो मेरा जो है वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या करा है, कैसे करा है, क्या चीज़ें होती हैं। देन आफ्टर दैट आई थिंकिंग कि मैं जिम में भी जाके तुम लोगों को दिखाऊंगा, आई एम नॉट श्योर बट दिखाऊंगा। चलो इस व्लॉग को शायद यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी हम चलते हैं घर पे जाके थोड़ा सा काम करूंगा, फिर एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, फिर जो स्केड्यूल होगा मेरा पूरे दिन का वो तुम्हारे साथ यू नो शेयर करूंगा वीडियो बना के, एंड यू गाइस विल वॉच इट मे बी डे आफ्टर टुमारो और या वेंसडे को, जिस दिन भी देखोगे देखना ज़रूर। और मिलता तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जो तुम लोगों को मैंने पूछा था उस साइन के बारे में, और बाकी तुम लोगों की क्या राय है और कुछ भी बता देना कैसा लगा तुमने व्लॉग, और मिलता तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।